हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड यू वाचिंग रोहित जी फिश लैब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर के बारे में। तो ये जो आप लोगों को फ़िल्टर दिख रहा है कि ये जो दोस्तों हमारे जो ओवरहेड फिल्टर होते हैं, ये आखिर ख़राब क्यों हो जाते हैं? तो ज़्यादातर दोस्तों आप लोगों का यही सवाल रहता है कि हम जब भी फ़िल्टर लेने आते हैं तो 10 से 15 दिन, 20 दिन या एक महीना फ़िल्टर चलता है, फिर उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है इसका पानी में ना डुबाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, आप लोगों का कभी फ़िल्टर ख़राब नहीं होगा। तो पानी में ना डुबाने से आपका फ़िल्टर ख़राब होता है। तो दोस्तों, देखिएगा कि किस तरीके से हमको फ़िल्टर को रखना चाहिए। मैं आपको एक्वेरियम में दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये एक्वेरियम में दोस्तों ये छोटा सा फ़िल्टर है, शायद कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, तो ये पानी में पूरा डूबा हुआ है। जितने भी दोस्तों फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे पानी में डूबे आपको मिलेंगे। इसमें चल रहा है, देखिए, वो भी पानी में डूबा हुआ है। अगर आप पानी से बाहर रखोगे ना इनको, तो दोस्तों ये फ़िल्टर ख़राब होने के चांसेस 90% रहते हैं। 90 नहीं, पूरे 100% ही रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो इनकी जो मोटर होती है ना, पानी के अंदर जो रहती है, तो उससे क्या होता है, ये जो मोटर है गर्म नहीं पड़ती है पानी के अंदर। अगर पानी के बाहर रहेगी तो गर्म पड़ के ये फूक जाती है। तो दोस्तों, हमें अब ये इसमें देखो छेद दिए रहते हैं इसमें ऊपर से। इसको आप छेद के इतना आपको डुबाना है कि इसके अंदर पानी चला जाए। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ यहाँ तक डुबाते हैं, क्योंकि कभी कभार प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर के चलते लोग पूरा उसको ऊपर इतना रख देते हैं, इतना ऊपर रहता है। तो दोस्तों, इसके चक्कर में इसके अंदर पानी नहीं जा पाता है। ये जो आपको इसमें होल दिख रहा है, इसके अंदर पानी नहीं जाने के चक्कर में ये इसके अंदर की जो मोटर होती है ना, खोल के दिखाऊँ आपको मैं। सॉरी, खुल नहीं रही, थोड़ा टायर लगा हुआ है, इसके अंदर पानी नहीं जा पाता। तो इसके अंदर की जो मोटर होती है वो फूक जाती है, तो इसलिए हमारे फ़िल्टर ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी भी अगर आप फ़िल्टर लें और उसको जब भी कभी अपने एक्वेरियम में लगाएं, तो हमेशा याद रखिएगा कि पानी में उसको डुबाना है। ज़्यादा नहीं डुबाना है, सिर्फ 1 इंच डुबाना है। जहाँ तक इसकी जो मोटर है, इसका ये एरिया है ऊपर का, ये जो टॉप है, इसको सिर्फ आपको यहाँ तक डुबाना है। देख लीजिएगा, 1/2 इंच यहाँ तक डुबाना है। इसका प्रेशर भी अच्छा बना रहेगा, आपको फ़िल्टर भी कभी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, आपका और भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जो तो तरीका मैंने दोस्तों बताया आपको, इससे कभी भी आपका फ़िल्टर ख़राब नहीं होने वाला है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जब भी कभी वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका कोई अगर सुझाव मुझे देना चाहते हैं, तो खुद कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सुझाव बता दीजिएगा। कोई और कुछ नई चीज़ हो, आप लोगों को कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।